हाय दोस्तों, मैं दुबराज चौरसिया आपको मैं पढ़ाऊंगा प्यार। प्यार चीज क्या है? प्यार किया नहीं जाता, लोग कहते हैं प्यार हो जाता है, लेकिन यह चार लोग को आना है, जो प्यार करते हैं, जो प्यार करना नहीं जानते हैं, जो प्यार कर नहीं पाते हैं, जिससे प्यार होता नहीं है, वो चीज सबको हम आज मैथ के माध्यम से बताएंगे कि भूख ही ऐसा चीज है जिससे प्यार करने से दुनिया काबू कर सकते हैं। इसी के साथ हंसते हंसते खेलते खेलते रहिए दोस्तों, और दिल थाम के बैठे रहिए। मैं आपको हर एक सवाल का धुआं धुआं बताऊंगा। अगर पर्सनालिटी के अलावा आपका एग्जाम्पल ही फंसता है तो उसके माध्यम से मैं आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए, मैं आपको एग्जाम्पल के भी सॉल्व करता रहूँगा, और जो भी कमियाँ हों, जो भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए, सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता रहूँगा, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है RCC रेगुलर क्लासेस सेंटर। हमेशा रहेंगे हम और हर एक क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं हर एक क्वेश्चन का होगा। जैसे क्वेश्चन है 6.7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, और उसके वीडियो को समाकलन को पहले थोड़ा सा उसके पहले वीडियो में हम अवकलन के बारे में बता दिए हैं दोस्तों, और जो इसका नियम है, जो सूत्र है, वो हम बता चुके हैं। अब यहाँ सॉल्व करना बताते हैं। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसे क्वेश्चन देखिए, ये समाकलन का चिन्ह है। ये क्या होता? कंसोनेंट होता है। ये क्या होता? वन। कल हम दोस्तों बताए थे यहाँ कि ई पर ए एक्स का सूत्र बताए थे, डायरेक्ट बताए थे, और इसको हम ऑपरेशन करके भी बताए थे, विस्तार से बताए थे। अगर जिसको इच्छा हो पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, इसे अगर ऐसा हो डायरेक्ट बता सकते हैं। एक्स का गुणांक है, क्योंकि एक्स पर एक घात है, तो इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो जिसका अवकलन एक आता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a e/x। इसका समाकलन हो गया दोस्तों। इसी प्रकार हम यहाँ देखिए, हम 4 क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसको लिख सकते हैं 4e/3x, और फिर लगा सकते हैं यहाँ प्लस 1dx। तो 4e/3x है, 3 क्या है? कॉन्सोनेंट है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, और ई पर क्या हो गया 3x, और x के सापेक्ष समाकलन का होता है 1 होता है, 1 का समान क्या होता है? x होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक का समाकलन हो जाएगा हमारा x, और हम लिख देंगे प्लस सी, मतलब हमारा समाकलन हो गया। इसको लिख सकते हैं 4/3, और हो जाएगा e/3x प्लस एक्स प्लस का हो गया सी। ये हो गया हमारा आंसर। अगर कोई दोस्तों कहता है e/3x सर्दी कैसे आया, इसको हम कल बताए थे कि यहाँ मान लीजिए कि ax बराबर का होता है t, इसको हम पहले अवकलन करते हैं, तो जब अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इसको लिख सकते a dy/dx x, यहाँ हो जाएगा dt/dx। तो जब इसको हम मान लिए हैं, इसको हम टी मान लेते हैं, समाप्त करें, ई पर का हो जाएगा टी, और यहाँ डी एक्स होता है क्योंकि एक्स के सापेक्ष है, और यहाँ जब टी रहेगा तो डी टी के साथ ए रफ कार है दोस्तों, ये रफ कार है, तो यहाँ करेंगे तो एस के सापेक्ष एस का अपना होता है एक होता है, यह खाली ए बचेगा, एक से गुणा करने से कोई मतलब नहीं होता है, और यहाँ का बचा dt/dx। अगर हम गुणा करें तो हो जाएगा ए dx, और क्या हो जाता है dt हो जाता है, तो dx वाला लिख सकते हैं dt/a। यही हम ds के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ds के ऊपर लिखेंगे dt/a। यही अगर हम लिखे दें dx, से यही हो जाएगा dt/a, और 1/1 कॉमन है, जिससे मान लीजिए दोस्तों हो गया e/t और dt/a, एक कॉन्सोनेंट बाहर आ जाएगा, और एक अवकलन और समाकलन e/s का अवकलन है समाकलन दोनों समान होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/a, और e पर का हो जाएगा t/c। तो अब हम मान रख देंगे e/t का t बराबर का मान है ax/c। देखिए ये हो गया पूरा आपका ऑपरेशन, ये हो गया डायरेक्टिविटी। अगर इससे कराते हैं, आपका NCERT बोर्ड में यही दिया है, कुछ नहीं दोस्तों, एक बार हम फिर दिखा देते हैं कि अगर इसका गुणांक एक होता है तो थ्री इसका गुणांक है, उसको अपान कर दीजिए, और ई पर एक्स का अपने पर एक्स होता है, एक के सापेक्ष अवकलन का होता है एक्स होता है, एक्स हो गया हमारा 4 में एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 4^4/3 e/3x+x+ का हो गया सी। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं,
अब हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप दिल थाम के बैठे रहिए, देखिएगा अगर समझ आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में बताइएगा, हम फिर बताएंगे आपको, फिर रिप्ली करके बताएंगे। दोस्तों देखिए इसका क्या कोष्टक है, तो पहले हम कोष्टक को हटाते हैं, जब कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का हो जाएगा इसका गुणा हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम अगर गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ रहने दें इसको अंदर कर दें एक कर गया हमारा एक हो गया इसका, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वन, यह क्या हो गया डी। अब हम आपको दोस्तों सूत्र बताए थे समाकलन का कि अगर एक्स पर एन हो, ये बड़ा लिख दे एक्स पर एन हो, अगर हमको समाकलन करना है तो बताए थे कि दोस्तों अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है तो यहाँ हो जाएगा एक्स पर एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस सी होता है, इससे मान लीजिए दो है तो वहाँ जोड़ेंगे दो में एक जोड़ क्या हो जाएगा एक्स पर हो जाएगा थ्री अपॉन थ्री, और एक्स के सापेक्ष समाकलन का होता है एक्स होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं उसी का समाकलन होता है, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस सी, यही आपका दोस्तों एंसर हो गया, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं, दोस्तों गर्मी तो है तो आनंद लीजिए गर्मी का, जब हमारे यहाँ एसी कूलर नहीं है तो आप भी बैठे रहिए, और जो चीज़ हमारे बस का नहीं उसका आनंद ही लीजिए, अगर मान लीजिए हम थाने में बंद है, हम छोड़ने वाले कोई है नहीं तो हम थाने का ही आनंद लें, क्या करना है उसी का आनंद लें, जिसमें है उसी का आनंद लीजिए, जितने में है उसी में मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, आनंद रहिए, पढ़ते रहिए, बैठे रहिए, बस दोस्तों गर्मी है तो मज़ा लीजिए। इसे दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमको क्या करना है समाकलन करना है, तो दोस्तों पहले देख लीजिए यहाँ ए का यहाँ मल्टीप्लाई है एक्स में, यहाँ बी का मल्टीप्लाई सी है, क्यों करें ए बी सी, क्योंकि एस के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, उसके अलावा ए बी सी अक्षर जो है इसके सापेक्ष हमारा होगा नहीं, एक कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम उसको कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए इसको हम कॉमन ले और सबके साथ चिन्ह सहित समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, तो जैसे यहाँ हो गया ए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर हो गया दोस्तों बी एक्स हो गया, डी एक्स सी हो गया, यहाँ दोस्तों सी का कुछ बचा नहीं तो हमें एक मान लेते हैं। चलिए सिंपली हम समाकलन बता दिए हैं कि अंश में एक जोड़ लिया जाता है, दोस्तों इससे कठिन कठिन भी शब्द होते हैं तो जैसे जैसे आएगा हम आपको बताते रहेंगे, बस जितना है उतना ही आनंद लेते लेते रहिएगा, मान ए हो गया जोड़ लेंगे दात एक पर दो कितना हो गया तीन अपान तीन, बहुत ईजी है, बस दिल थाम के बैठे रहिए, बी हो गया या एक घात छिपा दोस्तों तो हो जाएगा दो घात बटे दो, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ सी है यहाँ एक है, तो आप जानते हैं कि एक्स का अवकलन एक होता है तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स होगा, क्यों होगा एक्स, क्योंकि हम इसके सापेक्ष कर चल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस ए सी हो गया, क्योंकि हमारा समाकलन हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। हाँ दोस्तों अब हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ध्यान से देखते रहिए, हमें लग रहा है आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा इसलिए आप बैठे रहिए, यहाँ देखिए यह प्लस चिन्ह है तो दो बार समाकलन का चिन्ह इसके साथ ले सकते हैं, पर सबका हिस्सा हम दे दें क्या करना है, इधर से इसको घुसा दीजिए इधर इसके उधर घुसा दीजिए, दरवाजा दोनों से ला इधर से घुस जाए इधर इधर से घुस जाए, क्या करना है यहाँ हो जाएगा टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स भी लगा सकते हैं इसमें कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, फिर यहाँ भी सबके साथ सबका हिस्सा दे दीजिए, बाईवानी मत कीजिए, जैसे हमारे हिस्से में क्या है आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप हिस्सा में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये सबका हिस्सा बराबर देते रहिए, तो यहाँ हो गया दो हो गया, यहाँ दो घात है समाकलन करें क्या जाएगा तीन घात हो जाएगा, और बड़े तीन घात हो जाएगा, और फिर ई पर एस का अवकलन और समाकलन दोनों क्या होता है समान ही होता है, तो ई पर एस का ई पर एस हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा सी, या करके और आगे बढ़ा सकते हैं इसको हम, तो लिख सकते हैं दो बटा तीन एक्स पर थ्री घात, क्योंकि यहाँ एक छिपा है दो से गर्म दो हो गया और नीचे तीन लिख सकते हैं, और ई पर एक्स प्लस का हो गया, यही आपका क्या हो गया एंसर हो गया बच्चे। हाँ दोस्तों देखिए हम क्वेश्चन नंबर को अब 10 को बता रहे हैं,
तो हमें पता है कि आप लोगों को ए पर बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। और जब कहें धुआं धुआं भी बच्चे आप लोग जानते होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। इसी को पहले हम तोड़ लेंगे, उसके पहले हम बता दें कि अगर कोई संख्या रूट में हो, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, वन अपॉन टू यही होता है ना, ऊपर स्क्वायर है, अगर इसका हम गुणा करें या कह सकते इसको लिख सकते हैं दो बटे दो। क्यों, क्योंकि एक पर एक बटे दो को जब हम दो बार लिखेंगे तो ही होगा, एक बटे दो गुणे एक पर एक बटे दो, तो हर समान है, गुणा करते समय क्या करें धातु को जोड़ लेंगे तो आधार समान, इसे देखिए अगर करेंगे तो हर समान एक कितना हो गया दो, एन दो पर दो आएगा इसका मान हो जाएगा एक, यानी एक पर एक घर छिप जाता है। यहाँ देखिए एक ए बड़ा दो मतलब क्या होता है हाफ, ए बड़ा दो मतलब होता है हाफ, तो हाफ हम पूरा होता है खड़ा हो जाएगा ना, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा यह सही बचेगा। ये बता दी बच्चों हम अब यही देख, अब हम आगे बढ़ा दे रहे इसको, इसे मान लीजिए अब यहाँ हम कर रहे हैं ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो गया, फिर करेंगे प्लस बी स्क्वायर होता है कड़ी यस का हो गया होल स्क्वायर हो गया, माइनस टू होता है इनका होता है ए होता है, ए बराबर क्या हो गया कड़ी में यक्स हो गया, अब फिर बी बराबर क्या हो जाएगा वन अपान कड़ी का हो जाएगा यक्स, ए हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का हो गया खंडित हो गया। तो देखिए ए आंसर में हर एक कट जाएगा हमारा, ए खल्लास हो गया। यहाँ देखिए जब स्क्वायर करें कड़ी का हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम यक्स, क्यों कड़ी स्क्वायर खत्म हो जाएगा या एक स्क्वायर का होता है और नीचे का हो जाए कड़ी का हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, यहाँ का बचा तो बच्चों ही बचा ना। देखिए स्क्वायर के हमारा रूट खत्म हो गया, एक स्क्वायर एक ही होता है, यहाँ भी रूट खत्म हो गया, यहाँ रूट से रूट एक्स खत्म हो गया बच गया हमारा डी एक्स है डी एक्स हो गया। अब बस बच्चों सबके साथ करिएगा एक नियम और इसका है, इससे मान लिया सही है, इसको अगर हम नीचे से ऊपर लेते हैं तो यहाँ एक्स जैसे वन पान एक्स है ना, ये छिपा रहता है बच्चों, तो ऊपर जाएगा तो हमारा इनवर्स मतलब माइनस वन हो जाता है, मतलब हमारा हो जाएगा एक्स पर माइनस वन, अगर ऊपर में नीचे का प्लस होगा यहाँ का हो जाएगा तो ये हो गया डी एक्स। अब सबका बंटवारा हिस्सा कर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा एक्स हो जाएगा डी एक्स, इधर से घुसे इधर से घुसे एक्स पर माइनस वन डी एक्स हो गया, यहाँ का हो जाएगा फिर हो जाएगा टू हो जाएगा डी एक्स। अब हम समाकलन सब लोग जानते हैं बच्चों बता चुके हैं, या एक घर छुपा रहता है तो आंसर हाथ में जोड़ दो, एक कितना हो गया दो, इसे भी दो आ गया इसका हो गया, यहाँ भी जोड़ेंगे हम एक्स पर माइनस वन जोड़ेंगे, ये कुछ भी हो अपना काम आप जोड़ने का है करते रहिए, आप जानते हैं कंसोनेंट है इसको चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ एक छिपा है तो एक्स के सापेक्ष एक का समान क्या होता है एक्स होता है, यहाँ कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा प्लस का हो जाएगा सी। अब यहाँ देखिए यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान टू, अब बच्चों देखिए एक मत से माइनस एक प्लस से जीरो हो जाएगा, यहाँ भी नीचे हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ऊपर का मान तो हो जाएगा जीरो, देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स पर जीरो हो जाएगा, यहाँ नीचे का हो जाएगा जीरो हो जाएगा, विस्तार से बता रहे हैं साथ में हटा सकते हैं हम हटा देंगे आपको, तो टू एक्स प्लस सी। देखिए किसी संख्या पर अगर जीरो घात हो तो उसका मान होता है एक, और एक में किसी संख्या से जीरो से भाग उसका मान होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको हम चाहें तो इसको हम हटा सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप बड़े बच्चे हैं आप तो समझते होंगे एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये खत्म कर दीजिए ये पोर्शन खत्म हो गया जीरो हो गया, तो यहाँ कितना बचा ये माइनस बचा है, ये माइनस टू एक्स हो गया और प्लस का हो गया सी, ये समझाने लिए बच्चों बताएं इच्छा का नोट कर रहे हो इससे मतलब नहीं यही है ये आपका हो गया आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को बता रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ एक्स पर थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है अपान एक्स स्क्वायर है, देखिए बच्चों यहाँ आंसर और हर के रूप का है, तो ऐसे नियम को हम आगे बताएंगे आंसर हर का समाकलन होता क्या है, लेकिन यहाँ आपका बेसिकली चीज है छोटा चीज है तो हम इसी में बता रहे हैं और वैसा ही लगेगा तो हम बता दे रहे हैं, ये सबका पिता है तो ये सबके हिस्से में जाएगा ना, तो सबके हिस्से में दे दीजिए ये कोई बात नहीं, सबको संतुष्ट करिए और हमारा काम है सबको संतुष्ट करना, तो सबको दीजिए इसे मान लीजिए एक्स पर थ्री घात है यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर
यह फाइव एक्स स्क्वायर अपन कितना हो गया एक्स पर टू घात माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ तीन घात यहाँ दो घात है तो एक कट जाएगा, बड़े बच्चों आप जानते होंगे कि ऊपर जाएगा घट जाएगा, तीन में से दो जाएगा कितना बचेगा यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ काट देंगे पूरा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ फाइव बचेगा। यहाँ देखिए नीचे सुपर जाएगा हाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो गया फोर एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी नीचे और कर दीजिए, हाँ हो सकता है लेकिन जहाँ तक आसान है देखिए नीचे का है एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब सबके साथ समाकलन का हिस्सा लगा लीजिए, इसे मान लीजिए हो गया एक्स हो गया डी एक्स हो गया अपने हो गया फाइव तो कॉन्स्टेंट है, अब वो जानते हैं जब कॉमन लेते हैं एक लिख सकते हैं ना, लिखे या ना लिखे उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब फोर हो गया फिर समाकलन का चिन्ह हो गया या एक्स पर माइनस टू हो गया अपन का हो गया डी एक्स। अब का यहाँ समाकलन नियम का होता है कि एक्स पर यन एन प्लस वन अंश में हर यहाँ एक छिपा होता है, यहाँ एक जोड़ दीजिए कि कितना आ जाएगा दो और नीचे भी दो आ गया, ये डी एक्स भी खत्म हो गया समाकलन भी हो गया समाकलन हमारा सिंपल ही चीज है। अब एक के सापेक्ष एस का समान क्या होता है एक्स होता है क्योंकि एस के सापेक्ष हो रहा है तो यह ऑलरेडी पहले से फाइव आ गया है यहाँ एस हो गया यहाँ का हो गया एक्स। या देखिए ये फोर है तब नियम क्या जानते हैं अंश हर में जोड़ा जाता है तो जोड़े आप वही काम कीजिए माइनस प्लस से डरिए मत प्लस सी समाकलन हो गया हमारा, अब एक्स स्क्वायर हो गया अपान टू हो गया यहाँ हो गया फाइव एक्स हो गया। अब देखिए बच्चों दो में से एक चला जाएगा माइनस वन बचेगा ना यानी सकते हैं माइनस वन, यहाँ दो में से जाएगा कितना बचेगा माइनस वन प्लस सी है। देखिए जब माइनस से हम प्लस माइनस में भाग देंगे माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर, ये माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस है ना या तो रहने दीजिए या एक्स इनवर्स को ही कह सकते इसको लिख सकते वन अपान एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे का हो जाएगा प्लस हो जाएगा हो गया प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों मुस्कुराते रहिए गर्मी का आनंद लेते रहिए, बताए थे जो जिसका इलाज ना उसी का आनंद लीजिए, अब क्या करना है बस कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि ये लुटा गया कोई दिक्कत नहीं है बस सबका बंटवारा करिए, ये सबका पिता है ना ये सबका पिलर है ये सबके साथ देते रहिए बच्चों और कुछ है नहीं इसमें, बहुत आराम से दिल थाम के बैठे रहिए और प्यार करते रहिए अपने मुख से। अब बैठे हैं दिखते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए, देखिए सबके साथ कर दीजिए या तो चाहिए किसको एक बार में ले दीजिए क्या टेंशन है एक्स पर थ्री हो गया रूट एक्स हो गया सबके साथ दे दीजिए वो चीज सबका हिस्सा दे दीजिए। क्वेश्चन लगा दीजिए डेक्स हो गया, अब जो ऑपरेशन करना है पढ़ना फिरना करते रहिए। उसके पहले हम आपको बता दें कि आपको बताए हैं कि रूट का मतलब क्या होता है एक्स पर वन अपान टू वन अपान टू, यहाँ भी हो गया वही चीज एक्स पर क्या हो गया वन अपान टू प्लस यहाँ हो गया फोर हो गया यहाँ भी क्या हो गया एक्स पर हो गया वन अपान टू। अब फिर डी एक्स लगा दीजिए क्योंकि सबके साथ हमको रहना है जीना है खाना है, ये समाकलन हो गया। देखिए अब क्या करिए नीचे को ऊपर भेजिए तो यहाँ जो प्लस छिपा हुआ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स पर क्या हो गया थ्री हो गया ऊपर जाए एक्स पर कितना हो जाएगा माइनस एक बटा दो हो गया प्लस थ्री एक्स सही है ऊपर कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा एक्स पर माइनस एक बटा दो प्लस फोर आइए ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस एक बटा दो। अब बच्चों बचपन में आपको सर जी पढ़ाए होंगे आप लोग तो बच्चे नहीं हैं बड़े हैं कि अब जानते हैं बुरा करते समय हाथों को जोड़ लिया जाता है तो थ्री में एक और वन टू जोड़ेंगे एक बता देना पेपर हम आपको इसे मान लीजिए कि एक्स पर थ्री है अफ्रीका है एक बता रहे हैं आप सब देख लीजिएगा तो आधार समान घातों को जोड़ते हैं तो तीन में एक बड़े तो कहने के लिए जुटेंगे लेकिन घटेगा ये भिन्न का जोड़ है दो एक नंबर हो गया दो हो गया तो तीन कितना हो जाएगा छः और छः कितना हो जाएगा पाँच बटा ये चीज़ हम यहाँ डाइट कर दे रहे हैं तो तीन दूना छः छः में से कितना हो जाएगा पाँच पाँच बड़े कितना हो गया ना कहने नहीं जोड़े हैं लेकिन घटेगा यहाँ भी देखिए यहाँ एक छिपा है दो एक करना दो दो में से लेके ना छिपा एक वैसे जाने की एक छिपा है एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा ना एक बटा दो यहाँ देखिए घटेगा नहीं
माइनस ए बटा दो, एक हो गया डी एक्स हो गया। थोड़ा चिन्ह को हम बड़ा कर ले, देखिए सबके साथ हम कर दे रहे, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग तो समझ गए होंगे। देखिए अब इसका समाकलन करें हम, एक्स पर फाइव अपॉन टू डी एक्स हो गया, यहाँ थ्री हो गया फिन हो गया, एक्स पर वन अपॉन टू ये क्या हो गया डी एक्स हो गया, यहाँ फोर कॉन्सोनेंट है इसको ले लीजिए बाहर, एक्स पर माइनस एक बटा टू का हो गया डी एक्स हो गया। बस अब अपने पुरानी परंपरा पर आ जाइए, अंश और हर में जोड़ा जाता है, हम बताए थे इसमें एक जोड़िए, एक जोड़िए तो यहाँ एक जोड़ेंगे तो हम रफ बता दे रहे हैं कि अगर एक्स पर पाँच बटा दो है, एक जोड़ रहे हैं तो दो कलम दो पाँच कितना हो जाएगा सात हो जाएगा, यानी इस पर कितना हो गया सात बटा दो हो गया ना, ये समाकलन हट जाएगा ये भी हट जाएगा क्योंकि समाकलन हो गया, यहाँ भी एक जोड़ लीजिए तो जब एक जोड़ेंगे दो कलम दो कितना हो जाएगा तीन, इस पर कितना हो जाएगा तीन बटा दो, अब फिर क्या हो जाएगा वो रही जाए, यहाँ भी एक जोड़ेंगे हम तो एक बटे दो में एक जोड़ेंगे कहीं में जुटेगा लेकिन घट जाएगा, क्यों क्योंकि हो जाएगा दो एक करना दो प्लस टू दो मच जाएगा तो कितना बचेगा एक बचेगा, यानी एक्स पर कितना हो गया एक बटा दो। देखिए दोस्तों ये पूरा कम्प्लीट हो गया, ये हमारा क्या हो गया ये सी हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे ही का है ये सवाल। चलो दोस्तों हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ भी देखते हैं आंसर हर आ गया है। दोस्तों आप यहाँ दो तरीका है, या तो इस संख्या पूरे में एक्स माइनस वन से भाग दे दीजिए, आज जो भागफल आता है उसका सिंपली समाकलन कर लीजिए तो वो बड़े पैमाने पर बात हो गया, लेकिन अगर आप इसको खंडित कर देते हैं तो घंटों का वहाँ का मिनटों में हो जाएगा। इसे देखते हैं चार अक्षर यहाँ है एक दो तीन चार, इसमें कोई संख्या कामन हो रही है, एक्स स्क्वायर छोटा है एक्स पर तीन घात है, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ कामन ले रहा है तो एक्स माइनस वन आ जा रहा है, या कुछ नहीं कामन है तो पढ़े होंगे बचपन में, या एक कामन है एक्स माइनस वन है, तो देखते हैं जब दोनों चीज एक क्वेश्चन में आ जाता है तो कहते हैं गुणनखंड हो गया है, हम गुणनखंड ही विधि से कर ले यहाँ कोई डाउट है नहीं इस समाकलन का चीज। देखिए यहाँ छोटा घात कामन लेने एक्स स्क्वायर कामन यहाँ बच गया एक्स है, यहाँ बचा माइनस वन, इसके स्थान पर प्लस है प्लस, यहाँ कुछ नहीं कामन, यहाँ कुछ नहीं कामन होता है हम एक मान लेते, क्यों एक से एक से गुणा भाग करने से हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हो गया आपका डी एक्स, एक्स माइनस वन यहाँ भी एक्स माइनस वन यहाँ, तो बचपन में अब खंडित पढ़े ही है एक्स माइनस वन एक क्वेश्चन हो जाएगा जो दोनों मिल रहा है, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ क्या हो गया एक्स माइनस वन, आई क्या हो गया डी एक्स, ये हमारा खल्लास हो गया। अगर भाग भी देते हैं हम तो भाग पर हमारा इतना ही आता है, चलिए बच्चे देखिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स, तो कुछ बचा नहीं है हमारा, तो सिंपल ही हम समाकलन कर लें, अगर इसका समाकलन करते हैं तो दो कितना हो जाएगा तीन अपान, अब एस के सापेक्ष से कंट्रोल डाइट कर रहे हैं तो एक का क्या हो जाता है एक्स होता है, बड़े हैं आज प्लस सी लगा देते हैं हमारा समाकलन हो गया, ये होता क्या होता है आंसर यही होता है हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, तो देखिए इसका इसके अंदर क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो पहले कर दीजिए, चलिए इसको पहले हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे मान लीजिए वन है और एक्स है, कड़ी मतलब क्या होता है ये बटे दो होता है, ये जान लीजिए बटे दो हो गया, क्या हो गया ठीक, अब सबको अंदर घुसा दीजिए इसके साथ और इसके साथ, चलिए एक से एक में गुणा कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, एक बटा दो इसके साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा दो एक नौ दो एक कितना हो गया तीन, यहाँ क्या हो जाएगा तीन बटा दो, ये तो समझ गए होंगे यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स, अब सबके साथ समाकलन कर लीजिए एक्स पर एक बटा दो हो गया डी एक्स हो गया, एक्स पर कितना हो गया थ्री पॉइंट टू हो गया डी एक्स हो गया, बस समाकलन करने में क्या होता अंश और हर में एक जोड़, चलिए हम यहाँ विस्तार से भी दिखा दे रहे हैं, इसे एक जोड़ेंगे एक बड़े दो में एक जोड़ दीजिए, यहाँ भी एक बड़े दो में एक जोड़ दीजिए, माइनस समाकलन भी खत्म हो गया डी एक्स खत्म, क्योंकि हमारा समाकलन हो गया है, कभी कभी यहाँ भी सी वन कर देता है यहाँ भी सी टू कर देता है, अंत में आप कर सकते हैं सी वन धन सी टू बराबर सी, इससे कोई बच्चे मतलब नहीं है, इससे हम लास्ट में लिख देते हैं, तो यहाँ हो गया तीन बटा दो प्लस वन
और यहाँ हो जाएगा 3/2 + 1 प्लस का हो गया सी। बस अब देखिए इसको विस्तार से बताएं तो इसको हम लोग व्यवस्थित दूर करना, दो कितना हो गया 3, इस पर कितना हो गया 3/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 ही होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 कितना हो गया 5, इस पर कितना हो गया 5/2, यहाँ पर कितना हो गया 5/2 प्लस सी। अब जानते हैं बच्चों कि जो हर का हर होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, इससे हमारे जो पैर है ऊपर फेंक दीजिए। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर जी 3/2 है अब 2/2 ऊपर, नहीं बच्चे इसे नहीं जाता है, ए अंक का आंसर है। आज जब हर का हर, जब हर का हर हो वही अपने पहले तल्ले में 1, 2, 3, 4 तल्ला है ना, जब हर का हर होता है तभी जाता है, तो ये हर का हर है ये ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा 2/3, इस पर कितना आ गया 3/2, यह हो गया 2/5, यह हो गया इस पर 5/2 प्लस सी। यही हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया। हाँ बच्चों चलिए आनंद लेते रहिए, हम लोग चौंक गए क्वेश्चन नंबर 15 पर। गर्मी आनंद है, आनंददायक है, क्यों आनंददायक है, क्योंकि यह व्यवस्था नहीं है, तो गर्मी का आनंद लीजिए, जिसका जब उसकी सुविधा है तो उसका आनंद ही ले, और आनंद के हिसाब से ऐसा कोशिश करिए कि हम इस गर्मी से कैसे निकलें। वो एक ही काम है कि पढ़ाई करते रहिए, हर चीज़ आपको मिलता रहेगा, दिल थाम के बैठे रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चों यहाँ है, फिर वही इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था ना कि कणिक मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3x² हो गया, फिर क्या हो गया 2x हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया, और फिर क्या हो गया 3x हो गया। बस अंदर बुरा करिए, ए 3 है, ये है थोड़ा करेंगे, देखिए बच्चों का दूध ना 4 1 के, चलिए विस्तार से कर दे रहे हैं, गुड़े करना हो गया एक्स पर 1/2 हो जाए, गुड़ा हो गया इसके साथ, फिर वही करिए इसके साथ भी करिए 2x हो गया, एक्स पर 1/2। देखिए एक एक चीज़ का हम बेसिक बताते, कहीं कोई डायरेक्ट चीज नहीं मिलेगा, जिस बच्चे को समझ आ रहा है तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, उस चीज़ को हटा देगा क्या ना, डायरेक्ट कर लेगा, इसको यहाँ कर दीजिए, ए 3 हो गया, एक्स हो गया 1/2 हो गया, एक हो गया डी एक्स हो गया। देखिए ये चीज़ को बच्चे चाहे तो नहीं सकते, क्योंकि बड़े बच्चे हैं ना, वो सब कुछ ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ हो गया 3 हो गया, देखिए 2 × 4 कितना हो गया 5, 4 कितना हो गया 5, यानी क्या हो गया 5/2, यहाँ हो गया 2 × 9, यहाँ एक छिपा होता 2 × 9 कितना हो गया 3, एक्स पर 3/2 का हो जाएगा 2, यहाँ तो कूड़ा करने खड़े नहीं जरूर, हम लोग का मंजिल ही खड़ा है। तो यहाँ देखिए अब सबके साथ क्या करिए, समाकलन का चिन्ह लगाइए और डीएक्स को इधर से घुसा दीजिए, इसको इधर से घुसा दीजिए, चलिए यहाँ हो गया 3 हो गया, यहाँ समाकलन का चिन्ह लग गया, यहाँ एक्स हो गया 5/2 के, ये बाहर हो गया क्यों कॉन्सोनेंट है, ये डीएक्स लिख गए हम, यहाँ 2 आ गया हमारा समाकलन चिन्ह हो गया, एक्स पर हो गया 3/2 हो गया और डीएक्स हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया, फिर समाकलन चिन्ह हो गया, एक्स पर हो गया 1/2 हो गया डीएक्स। कोई बच्चा चाहता नहीं लगा, नहीं तो इकट्ठा सब समाकलन कर ले, क्या करना इसका कोई जरूर नहीं है, चाहे बच्चा यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है, कर सकता है, अगर नॉलेज में है बच्चे को आता है बुरा बुरा तो इसके बाद पहले दूसरे से यहाँ चल सकता है, इसको डिलीट मार सकता है, लेकिन हम अपना काम बता दिए हैं, अब समाकलन करिए ऑन सॉल्विंग में जोड़ते रहिए, चलिए यहाँ भी एक जोड़ लीजिए, यहाँ भी एक जोड़ लीजिए, प्लस बना दो बढ़िया से, समाकलन हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अब यहाँ क्या हो गया 2 है, यहाँ भी जोड़ लीजिए, क्या करना पुरानी परंपरा के अनुसार चलते रहिए, बने रहिए, धीर रहिए, गंभीर रहिए और बने रहिए, 1/2 हो गया प्लस 1 प्लस का हो गया सी। बस अमन थोड़ा कर जोड़ी 2 × 2 = 5 कितना हो गया 7 हो गया, एक्स पर क्या हो गया 7/2, यहाँ का हो गया 7/2 क्योंकि उतना ही जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 2x पर कितना हो गया 2 × 3 कितना हो गया 5 × 2 फिर क्या हो गया 5/2 हो गया, फिर प्लस 3 हो गया
फिर क्या हो गया, दो एक अनंत दो एक कितना हो गया दो हो गया, फिर क्या हो गया तीन बटा दो हो गया। अब प्लस तीन, देखिए बच्चों जगह कम पड़ा है, हम ऊपर से मिटा के इसको हम लिख दे रहे हैं, एक लाइन बचा है आप देख लीजिएगा बैठ करके, हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद को हम बस नीचे वाला क्या करना है, ऊपर तीन दूना कितना हो जाएगा छः, इसी हो गया ना, अपान का हो जाएगा सेवन, ये तो रहेगा ऊपर का हो गया, इस पर का हो गया सेवन अपान टू, बस ये दो दूना कितना हो जाएगा चार, कितना हो जाएगा अपान फाइव, इस पर कितना हो गया फाइव अपान टू हो गया, फिर यहाँ हो गया प्लस तीन दूना छः हो गया, अच्छा अच्छा तीन से तीन खलास भी कर सकते हैं, यहाँ सिक्स हो गया अपान टू हो गया, और एक पर कितना हो गया थ्री अपान टू प्लस सी। देखिए बच्चे आप लोग बड़े हो गए दिखा दिए हैं, फिर हम इसको काट दो तिहाई छः भी कर सकते हैं, इसको यहाँ आप तीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहीं से तीन से तीन नहीं दो तिहाई छः होता है, अगर तीन से तीन यहाँ काट दें और दो ऊपर भेज सकते हैं तब भी हमारा दो आ जाएगा, दोनों दिखा दिए हैं, देखिए अगर काट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखिए ये गर्मी के मौसम है, मेहनत तो लग ही रहा है और आप बैठे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन में अगर कहीं त्रुटियाँ लगती हैं कहीं आपको समझ नहीं आता है, एग्जाम्पल है जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट मार के पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको 100% बताऊंगा, और लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए, बने रहिए खुश रहिए प्यार करते रहिए, धन्यवाद।